डियर क्रश, तुम ना मेरे हर काश में बसती हो। स्कूल में प्यार का अंदाजा इसी से हो जाता था कि आप पीछे मुड़कर अपने क्रश को कितनी बार देखते हो, और मैंने अपनी आधी स्कूल लाइफ पीछे मुड़ने में निकाली और बाकी की आधी तुम आगे बैठा करती थी। काश देखते देखते किसी दिन तुमसे आके बात ही कर लेता। वैसे तुम्हें पता नहीं होगा पर मैथ्स के हर क्लास में मैं उत्साह से इसलिए आंसर दिया करता था क्योंकि मुझे पता था कि तुम मैथ्स में थोड़ी वीक हो। मैं जानता था कि तुम अपने डाउट्स किसी ना किसी से पूछा करते हो। मैं चाहता था कि तुम मुझसे पूछो। काश किसी दिन मैं ही अप्रोच कर लेता अपनी नोटबुक के साथ। मेरे सारे दोस्त जानते थे कि मैं तुम्हारे पीछे कितना दीवाना हूं। उन्होंने तो एक बार मेरे डेस्क पे तुम्हारा नाम भी खरीद दिया था मेरे नाम के साथ। तुम देखती उससे पहले मैंने मिटा दिया। मासूम से दिल को वो करते वक्त भी बहुत बुरा लगा। हमारा नाम कहीं भी हो उसे मिटाने में बुरा तो उतना ही लगता था। काश मैंने रहने दिया होता तुम शायद गलती से ही किसी दिन पढ़ लेती। तुम्हें पता है स्कूल में वो 350 वाले SMS पैक आते थे, मैं हमेशा वो करवाता था ये सोचकर कि तुमसे बात हो जाएगी, पर फिर मैं खर्च कर देता था अपने दोस्तों पर ये डिस्कस करने में कि तुमसे बात करूं भी तो क्या करूं। काश उस 350 वाले SMS पैक में से मैंने एक मैसेज तुम्हें कर दिया होता। और हाँ, क्या तुम्हें आज भी इंग्लिश उतना ही पसंद है? देखो सच बताता हूँ, मुझे इंग्लिश इतनी नहीं पसंद थी, पर जब भी तुम मेरे आसपास गुजरती ना तो मैं इंग्लिश में बोलना शुरू कर देता। कभी कभार तो शेक्सपियर को भी कोट कर देता था, पता नहीं क्यों। काश किसी दिन तुम्हारे सामने ही आके इंग्लिश में बात कर लेता, पता चल जाता कि तुम इंप्रेस हो रही हो कि नहीं। पर सबसे ज्यादा अफसोस मुझे इस बात का है कि जब कॉरिडोर में हम चलते रहते और हमारे हाथ टकराते तो मैं तुम्हारी हर उंगली को फिसलते हुए महसूस करता। तुम थोड़ा आगे जाती, पलटती, मुस्कुराती और फिर अपने रास्ते चले जाती। काश मैं तुम्हारा हाथ थाम लेता। अगर तुम्हें बुरा लगता तो मैं वापस कभी नहीं करता, पर अगर तुम्हें अच्छा लगता तो मुझे भी जवाब मिल जाता। कितने काश से भरी है ना हमारी जिंदगी। आज भी देखो तुम्हारे नाम की चिट्ठी लिखी है पर भेज पाऊंगा कि नहीं वो नहीं पता। अगर इन काश में से कोई एक काश भी मैं सच कर पाता ना तो आज तुम शायद सिर्फ मेरी क्रश नहीं, मेरी हमदर्द भी होती। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम्हें याद है जब किटी ने मेरे लेटर्स पोस्ट कर दिए थे? हाय लारा जी, मैंने ऐसा कुछ चाहा था जो होता ही नहीं है। मैंने हैप्पीली एवर आफ्टर चाहा था, और अभी तो कहानी बस शुरू ही हुई है।